हेलो एवरीवन, ट्रंप के नोबेल प्रेम से पहले नोबेल प्राइज के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में जान लेते हैं। आपको यह भी बताऊंगा यूएस में पहले कितने प्रेसिडेंट को नोबेल प्राइज मिल चुका है। अल्फ्रेड नोबेल एक स्वेडिश केमिस्ट, इंजीनियर, इंडस्ट्रियस्ट और साथ में डायनामाइट के इन्वेंटर थे। उनका सपना था कि एक बड़े प्राइज को बनाएं। इसके लिए उन्होंने अपने कमाई का बड़ा हिस्सा नोबेल प्राइज के लिए लगा दिया। शुरुआत में नोबेल प्राइज 5 फील्ड में दिया जाने का निर्णय लिया गया, जिसमें से केमिस्ट्री, लिटरेचर, पीस, फिजिक्स, फिजियोलॉजी या मेडिसिन में। इसके लिए 1900 में नोबेल फाउंडेशन का गठन किया गया और पहली बार इन 5 फील्ड में प्राइज दिया गया था 1901 में। 1968 में छठा अवार्ड को भी शामिल किया गया था नोबेल प्राइज में, जो इकोनॉमिक साइंस के लिए दिया जाने वाला था। नोबेल प्राइज हर साल दिया जाता है स्टॉकहोम, जो कि स्वीडन का कैपिटल है, सिर्फ पीस प्राइज को छोड़ के। पीस प्राइज नॉर्वे के कैपिटल ओस्लो में दिया जाता है। एक सवाल आपके मन में जरूर आता होगा कि आखिर नोबेल प्राइज में रहता क्या है। एक्चुअली इसमें 3 चीज दिया जाता है, एक गोल्ड मेडल, दूसरा सर्टिफिकेट जिसे डिप्लोमा कहा जाता है, और उसके साथ करीब $9,35,000 पैसे। अगर आप उसको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करो तो वो करीब करीब 6,90,00,000 के करीब होगा। यूएस प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट में से अभी तक 4 लोगों को ही नोबेल पीस प्राइज मिला है, जिनके नाम है। रूजवेल्ट को 1909 में मिला था, वुड्रो विल्सन को 1919 में, जिमी कार्टर को 2002 में, और आखिर में बराक ओबामा को 2009 में मिला था। अब ट्रंप को चिढ़ यह है कि जब ओबामा को नोबेल पीस प्राइज मिल सकता है तो मुझे क्यों नहीं मिल सकता। देखिए मिस्टर ट्रंप, आपके और बराक ओबामा के काम में जमीन आसमान का अंतर है। बराक ओबामा ने सब कुछ बनाया था और आपने 5 साल में ही अमेरिका के साथ साथ पूरे दुनिया में उथल पुथल मचा के रख दिया है। अब जब अमेरिका में चुनाव नजदीक है और आपको लग रहा है कि आपका विदाई लगभग तय है, तो आप पूरे दुनिया में जितने कट्टर दुश्मन हैं उनके बीच शांति समझौता करने चले। मतलब कहावत तो आपके लिए परफेक्ट होता है कि 100 चूहा खाके बिल्ली चली हज को। नॉर्वे के एक सांसद ने 2021 में मिलने वाले नोबेल प्राइज के लिए ट्रंप को नॉमिनेट किया है। देखो, नॉमिनेट करने का मतलब यह नहीं है कि उन्हें प्राइज मिल ही जाएगा। हजारों लोग एलिजिबल होते हैं हर साल नोबेल पीस प्राइज के नॉमिनेशन के लिए। यह जो सांसद है इनका नाम है टिबरिंग जिजेड, देखो प्रोनाउंसिएशन में मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है इसमें, जो एक राइट विंग प्रोग्रेस पार्टी को बिलोंग करते हैं। इन सांसद महोदय का कहना है कि ट्रंप हकदार है नोबेल पीस प्राइज का, क्योंकि उन्होंने एक बहुत ही यूनिक डील करवाया है जो किसी ने सोचा भी नहीं था। यूएई और इसराइल के बीच में शांति समझौता करवा दिया। इस सांसद महोदय ने 2019 में भी ट्रंप को नॉमिनेट किया था अमेरिका और नॉर्थ कोरिया के बीच डिप्लोमेटिक एफर्ट को लेके। उस समय तो ट्रंप को नोबेल प्राइज नहीं मिला। उसके बाद ट्रंप भड़क गए कि उन्हें नोबेल प्राइज कोई देना ही नहीं चाहता। विनर का ऐलान 9 अक्टूबर को होने वाला है। देखते हैं इस बार ट्रंप को मिलता है या नहीं। जो भी होगा आपके लिए अपडेट लाते रहूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।